नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल फ्री लीगल एडवाइस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एनिमल राइट्स इन इंडिया। जानवरों के भारत में क्या कानून है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जानवरों से संबंधित भारत में क्या कानून है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। तो बात करते हैं भारत में जानवरों से संबंधित क्या कानून है। सबसे पहले, ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जानवरों के राइट को या एनिमल राइट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जितना हक इंसानों को है उतना ही हक जानवरों को भी है। तो इस वजह से 1960 का जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, ये बहुत ही जरूरी कानून है, जिसके सेक्शन 11 की हम लोग बात करेंगे। भारत के संविधान आर्टिकल 51 AG की बात करेंगे, जहां पे भारत का संविधान ये कहता है कि आपको, मुझे, हर एक को जानवरों के लिए भी एक दया का भाव रखना चाहिए, उन्हें भी जीने देने का अधिकार रखना चाहिए। और इस वजह से बिना किसी आवश्यक कारण जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, जो कि हमारा भारत संविधान आर्टिकल 51 AG कहता है। इसके साथ दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये भी काफी जरूरी है, हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहले, टू किल अ मेमिंग कैटल, इट मींस किसी भी जानवर का आप अगर अंग भंग कर देते हैं, आप उसके पैर पे गाड़ी चढ़ा देते हैं या उसके पैर तोड़ देते हैं या किसी तरीके से उसे अपाहिज कर देते हैं, तो इसके लिए सजा है IPC के हिसाब से, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। और ये सेक्शन 428, 429 अट्रैक्ट करेगी, जहां पे 5 साल तक का सजा और उसके साथ फाइन आपको देना पड़ सकता है। जानवर हो सकते हैं जैसे गाय होगी या बैल होगा या एलिफेंट होगे या ऊंट होंगे, तो इस तरीके के जो जानवर है, इसमें कुत्ते भी शामिल हैं, तो इस तरीके के जानवर जिनके अगर आपने पैर को चोट पहुंचाई, उनके किसी और शरीर के पार्ट को चोट पहुंचाई, उनका अंग भंग कर दिया, तो इस कंडीशन में 428, 429 IPC के हिसाब से आपको 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों ही देना पड़ सकता है। किसी जानवर को एक जगह से उठाकर के दूसरी जगह ऐसी परिस्थिति में छोड़ देना जहां पर वो नहीं रहा हो और जहां का वो हैबिचुअल रहा हो, तो इस कंडीशन में भी आपको 3 महीने की सजा हो सकती है, क्योंकि आप एक तरीके से उस जानवर के अधिकार का वायलेशन कर रहे हैं। उसको एक जगह रहने की आदत हो चुकी है, अब आपने उस जानवर को एक जगह से उठाकर के दूसरी किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जहां उसका हैबिटेट नहीं है, जहां पे वो रहना नहीं जानता है, जहां पे उसने कभी रहा नहीं है, तो इस कंडीशन में उस जानवर के राइट को तो आप वायलेट कर रहे हो, और भारत का कानून आपको सजा दे सकता है। और इस सजा के हिसाब से आपको 3 महीने की जेल हो सकती है, और इसके साथ ही आपको पनिशमेंट भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, ये जो एक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इसका सेक्शन 11 कभी आप अगर देखेंगे तो काफी सारे इसमें पैराग्राफ्स हैं और काफी सारे कंडीशंस मेंशन हैं कि क्या करने में आपको क्या सजा हो सकती है भारत के कानून के हिसाब से, यानी सेक्शन 11 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के हिसाब से। इसमें अगर आप किसी जानवर को अनावश्यक रूप से मारते हैं या किसी बैल के ऊपर ओवरलोड करते हैं या ऊंट के ऊपर ओवरलोडिंग करते हैं, जितनी उसकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा कैपेसिटी का आप उसके ऊपर वजन रखते हैं या टॉर्चर करते हैं उसको या अननेसेसरी पेन देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो इस तरीके से आप सेक्शन 9 सेक्शन 11 का वायलेशन करेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज एनिमल एक्ट का, और जिसके लिए पनिशमेंट हो सकती है आपको, और ये पनिशमेंट 3 महीने की और फाइन दोनों ही हो सकता है। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी एनिमल्स जैसे स्लॉटर हाउस में, ना सही, मतलब स्लॉटर हाउस का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, कत्ल खाना या बूचड़ खाना भी कहा जाता है, जहां पे जानवरों को काटा जाता है, तो इस जगह को छोड़कर के, बिकॉज स्लॉटर हाउस की परमिशन आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होती है, और अगर आपने प्रॉपरली स्लॉटर हाउस की परमिशन नहीं ली है और फिर अगर आप वहां पे जानवरों को काट रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसपे चिकन्स भी आ जाते हैं, जिसमें बकरे भी आ जाते हैं, जिसमें और भी कोई जानवर आ सकते हैं, तो इस तरीके की जो परमिशन है वो इलीगल एक्टिविटीज में आ जाएगी, क्योंकि जानवरों को काटना एज पर लॉ केवल परमिसिबल है स्लॉटर हाउस में। तो अगर आपके पास में स्लॉटर हाउस का लाइसेंस नहीं है और अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज करते हो, तो ये भी एक तरीके से वायलेशन है सेक्शन 11 का, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स द एनिमल एक्ट ऑफ 1960। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सजा हो सकती है, जो कि सजा 3 महीने की और इसके साथ ही साथ फाइन। दोस्तों, इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11 के एक प्रोविजन की बात करना, जहां पे कोई बीमार जानवर है या कि कोई प्रेग्नेंट जानवर है जिसका बच्चा होने वाला है, इस कंडीशन में अगर उस जानवर को स्लॉट किया जाता है, उस जानवर को काटा जाता है, तो ये भी एक तरीके से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एक्ट जो 2011 है, उसका वायलेशन होगा, और इसमें भी 3 महीने की सजा है और इसके साथ ही आपको पनिशमेंट भी देना पड़ सकता है। स्ट्रीट डॉग्स, कुत्तों की हम लोग अगर बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि नसबंदी कर दी जाती है, म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन कुत्तों को पकड़ करके एक वैन में, गाड़ी में भर करके ले जाती है, उनकी नसबंदी कर देती है और उनको किसी दूसरी जगह पे छोड़ देती है। दोस्तों एक तरीके से ये भी वायलेशन है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 का, इसमें भी पनिशमेंट है। लेकिन उसके बावजूद काफी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कुत्तों को उठा करके लेके जाती है और उनकी नसबंदी कर देती है। तो एक तरीके से ये वायलेटिव है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 का। इसके साथ ही अगर आप किसी जानवर को आपने पाल करके रखा हुआ है, पहली बात आप किसी चिड़िया या उड़ने वाले जानवर को पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन होगा और इसके साथ ही आपको 3 साल की सजा हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं अगर आपने किसी जानवर को पाल के रखा है, जैसा अमूमन लोग करते हैं कि कुत्ते को या बिल्ली को या किसी और जानवर को पाल के रखते हैं, गाय पाल के रखते हैं अपने घर में, लेकिन इसके साथ अगर आपने उसे प्रॉपर समय पे खाना नहीं दिया, उसे पानी नहीं दिया या उस जानवर की बेहतर तरीके से उसे रखने के लिए व्यवस्था नहीं की और उसे कंटिन्यू पूरा दिन या बहुत लंबे समय तक अगर आप चेन में बांध करके रखते हैं, उसे किसी कैद खाने तरीके से रखते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको सजा हो सकती है। 3 महीने की सजा होगी और इसके साथ ही साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। पीसीए एक्ट 1960 प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स द एनिमल एक्ट ऑफ 1960, इस कानून के हिसाब से सेक्शन 11, 3 महीने की सजा आपको हो सकती है। इस वजह से अगर आपने किसी जानवर को पाला है तो नियमित रूप से, संयमित रूप से उसे खाना भी दीजिए, उसे पानी भी दीजिए और उसकी प्रॉपर एक सही तरीके से रहने की रखने की व्यवस्था आप कीजिए। आपने जब ये आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि बंदरों को या कि भालुओं को लोग लेकर के जाते थे और बाजार में तमाशा दिखाते थे। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का वायलेशन था और इस हिसाब से आप किसी भी मंकी को, किसी बंदर को या किसी भालू को या किसी भी वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में आने वाले जानवर को आप तमाशा नहीं दिखा सकते बाजार में। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी वायलेशन है और इसके हिसाब से आपको सेक्शन 2 प्रोविजन पीसीए पनिशमेंट देगा जो कि 3 साल तक की हो सकती है। इसमें भालू आ जाते हैं, इसमें शेर आ जाते हैं, इसमें एलिफेंट आ जाते हैं, इसमें टाइगर आ जाते हैं, इसमें बुल्स भी आ जाते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि बुल फाइटिंग कराई जाती है, तो इस तरीके से ये सेक्शन 22 पीसीए एक्ट का वायलेशन है, 1968 का वायलेशन है और आपको सजा मिल सकती है। दोस्तों आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे ईद का त्योहार हो गया या कि दुर्गा पूजा के समय में एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, मतलब उनकी बलि चढ़ाई जाती है। तो जानवरों की बलि देने की प्रथा भारत में लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। ये स्लॉटर हाउस रूल 2001 के हिसाब से ये कंप्लीटली वायलेशन है और इस हिसाब से किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जा सकती है, ये इलीगल है। अगर ऐसा किया गया तो इसके लिए भी 3 महीने की सजा का प्रावधान कानून में निश्चित किया गया है। लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि नियमित रूप से इस तरह की कानून की धज्जियां उड़ाने में लोग पीछे नहीं हटते, चाहे वो धर्म के नाम पे हो या किसी और नाम पे। तो किसी भी एनिमल को सैक्रिफाइस करना या किसी जानवर की बलि देना ये इलीगल है, गैर कानूनी है भारत में कानून के हिसाब से, जिसे स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 कहा जाता है। एनिमल्स की फाइट, जैसा भी मैंने आपको बताया कि बुल फाइट्स लोग कराते थे, तो ये भी एक तरीके से ऑफेंस है और इस हिसाब से 3 महीने की सजा हो सकती है। पीसीए एक्ट 1960 के हिसाब से आप अगर कभी चिड़ियाघर में जाते हैं और वहां पे किसी जानवरों को परेशान करते हैं, किसी अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिव जो जानवर है अगर उनको आप परेशान करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको ₹25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आप कभी चिड़ियाघर में जाते हैं और उसके साथ ही आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ जानवर को, जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करते हो, तो इस कंडीशन में भी आपको ₹25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि प्रोटेक्टिव होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के हिसाब से। आप अगर किसी चिड़िया के बच्चों को या कि चिड़िया के जो अंडे होते हैं उन अंडे को तोड़ फोड़ देते हो या नष्ट कर देते हो, तो इसमें भी आपको ₹25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कवर होता है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी जानवर को परेशान ना करें, अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से आपको रोकना आपकी जवाबदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जितने अधिकार जानवरों के हैं, जितने अधिकार इंसानों के हैं, वो बराबरी से अगर देखा जाए तो आपको ये हक नहीं बनता है कि आप किसी जानवर को बिना कारण अकारण परेशान करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, इसके साथ हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आपका कीमती समय, महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।